हेलो गाइस, आज आप लोग लिए बेहतरीन एक तो चिमनी का वीडियो लाया हूँ। आज जो वीडियो लाया हूँ वो एक फेवर का ही 60 सेंटीमीटर बोलिए या फिर 90 सेंटीमीटर, दोनों हम लोगों के पास मौजूद है। तो आज आपको लाइव डेमो देके दिखाएंगे 60 सेंटीमीटर का, जो कि नया लॉन्च हुआ है। नया लॉन्च नहीं, मतलब नया फीचर्स वाला लॉन्च कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन हम लोगों के पास आया है और अभी तक यूट्यूब में कहीं पर नहीं मिलेगा और ऑनलाइन में भी ये प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। तो इसमें ऐसा कुछ 4-5 चीज़ दिया हुआ कि जो कि चिमनी में आप लोग पहले देखे ही नहीं है, एकमात्र एसी वाला चिमनी में ही मौजूद है। ठीक है, तो पूरा लाइव डेमो देके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी जाके पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पता चलेगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा चीज़ आपको मिस हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी पूरा सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। नॉर्मल चिमनी से बेहतर और एक्सेलेंट काम करने वाला चिमनी है ये वाला चिमनी, जो भी आज आप लोगों के पास लाया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का अगर चिमनी लेना है तो यही वाला चिमनी आप ले सकते हैं। मतलब आप अगर ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही वाला बस चिमनी आपको आपके लिए ही है। ऐसा फंक्शन इसमें दिया हुआ है, मतलब 4-5 फंक्शन ऐसा दिया हुआ कि जो कि आप लोग अगर ये वाला पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा तो आप लोग जो चिमनी लिए हैं उसको आप लोग बोलेंगे कि ये वाला गलत ले लिए हैं, दूसरा हमें यही वाला लेना है, वो वाला खोल के यही वाला लेना है। मतलब ऐसा चिमनी है कि मतलब चिमनी के मतलब जो भी आज तक चिमनी निकला है उससे सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला चिमनी, और वो भी कम दाम में। मतलब इतना कम दाम में इतना बेहतरीन चिमनी आज तक किसी भी कंपनी ने दिया नहीं, बस इसी वाला एकमात्र फेवर में ही ये पहले मतलब आया है। ठीक है, चिमनी देखते ही आपको पता चल जाए कि यही वाला चिमनी बस खरीदना है। मतलब ऐसा एक चिमनी आप लोगों के ले आया हूँ। सक्शन पावर बोलिए, मतलब ऐसा फीचर्स इसमें दिया हुआ है कि आपको मथा झंझना जाएगा कि हाँ, एक बेहतरीन मतलब चिमनी का वीडियो लाया है। और जो भी नया लोग जुड़े हैं, ठीक है, तुरंत जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको तुरंत जाके ऑन कीजिए। जो भी नया लोग मतलब जिसको सब्सक्राइब करना भी नहीं आता है, वो किसी के देख के सब्सक्राइब करवा लीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो इस चैनल में इंटरेस्टिंग वीडियो और फेवर का या कुछ ना कहो कोई भी नया प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है उसका सबसे पहले यूट्यूब में हम ही देते हैं इस चैनल में। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जो कि नहीं पहुँचाए उन लोगों के पास भी शेयर कीजिए, तभी बेहतर लोगों के पास जाएगा और उनको भी हेल्प होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एक वाला ये जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो तुरंत जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी जाके पूरा फीचर्स के बारे में पूरा पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वाला वीडियो बना रहा हूँ और सबसे पहले हम ही दे रहे हैं, तो इसके लिए एक तो लाइक तो बनता है। हेलो गाइस, देखिए एक फेवर कंपनी का न्यू लॉन्च किया गया एक चिमनी है, जो कि 60 सेंटीमीटर में ये वाला चिमनी है। इसका 90 सेंटीमीटर भी है, तो ये वाला जो है वो 60 सेंटीमीटर का। इसका मॉडल का जो नेम है वो हम आपको बता रहे हैं, इसका जो मॉडल नेम है ये है हुड ऑरा डायरेक्ट ड्राइव बीएफ एससी एसी बीके 60। ठीक है, तो एक डायरेक्ट ड्राइव वाला, मतलब इसमें जो आपका मोटर का वर्क है वो बिना किसी सहारे के चलता है। मतलब मेनली मोटर में क्या होता है, बेल्ट के द्वारा या फिर आधार कुछ पार्ट्स के द्वारा घुमाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मोटर का जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली किया गया है और इसका जो मोटर का काम है वो किसी भी अदर कंपनी का चिमनी हो या फेवर का ही अदर जो चिमनी वगैरह है उसमें अलग इसमें मोटर दिया गया, जो कि BLDC नाम का मोटर इसमें दिया गया है, जिसका वर्क एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। और इसमें जो चिमनी जब वर्क करता है तो इसमें आपका नॉइज़ लेवल भी अदर जो चिमनी है उससे बहुत ही कम है। तो इसमें जो मेन फीचर्स कुछ अलग अलग इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो भी हम इसी वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप वॉच कीजिएगा,
तभी आपको पूरा डिटेल्स में आपको पता चलेगा, ठीक है। और ए वाला चिमनी आप कितना में ले सकते हैं, ठीक है, तो वो भी पूरा डिटेल्स में बताएंगे, इसका MRP कितना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी सारा चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो ए वाला चिमनी का जो आपका MRP है वो 34,990 रुपया इसका MRP है। और ये अगर आप लोग लेना चाहते हैं, मतलब ख़रीदना चाहते हैं शॉप से, तो आपको ये ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, ठीक है, ओनली रिटेल शॉप में ही मिलेगा। तो आप अगर इसको अभी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो अभी ये मिलेगा पुरुलिया में, पुरुलिया में अगर है आप लोग तो पुरुलिया में जो होमेज बोल के जो शोरूम है वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। आप ऑनलाइन में भी होमेज का जो लोकेशन है वो आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर ये और कहीं जगह में आप लोग अदर कोई है, मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर अगर आप लोग हैं किसी अदर स्टेट में, तो भी आप लोग कहाँ से ख़रीद सकते हैं उसका भी डिटेल्स आपको हम बता देंगे। कमेंट में आप लोग पूछिएगा तो आपको हम वहाँ पर कौन सा जगह में आप लोग जाके आप मतलब ख़रीद सकते हैं उसका भी डिटेल्स हम आपको बता देंगे, ठीक है, नंबर सहित पूरा डिटेल्स में आपको बता देंगे, तो आप लोग वहाँ पर जाके आप ख़रीद सकते हैं। तो इसका आपको ए वाला जो चिमनी आपको मिल जाएगा करीबन यहाँ पर 21,000 में आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है वो एक एक करके हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट जो फीचर्स इसमें है, देखिए पूरा ए वाला है एक मिरर चिमनी, ठीक है, देखिए पूरा मिरर दिया हुआ, देखिए पीछे में जो भी कुछ है वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। मिडिल में यहाँ पर फेवर लिखा हुआ, देखिए मेरा जो फेस है वो भी पूरा यहाँ पर दिख रहा है, देखिए तीनों साइड में मिरर दिया हुआ है, जो भी खाना बनाएगा ना उनका पूरा फेस क्लियरली दिखेगा, आपको घर में अलग से मिरर खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ये वाला चिमनी लगा लेते हैं, उनका मिरर का काम आपको ये वाला चिमनी में कर देगा, ठीक है। और इसमें आपको स्पीड जो मिलता है, इसमें आपको नॉर्मली चिमनी में कितना स्पीड मिलेगा मतलब मिलता है, नॉर्मली मिलता है 3 स्पीड, 1, 2 और 3, आप लोग मेनली 3 स्पीड ही देखे होंगे, लेकिन इसमें आपका जो स्पीड है वो आपका 9 स्पीड है, मतलब 9 स्पीड में चिमनी आपका चलेगा। मान फिर आप लोग समझ लीजिए, मतलब इसका जो वर्क एफिशिएंसी है एक नॉर्मल चिमनी व किसी भी आधार चिमनी से कितना बेहतर और मतलब एक्सीलेंट है वो आप लोग बस इसका स्पीड मतलब सुन के ही आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आप अगर इस चिमनी को चलाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा, इसका जो स्पीड स्टार्ट ही होता है नॉर्मली 3 स्पीड से, मतलब 3 स्पीड से फास्ट जब चिमनी स्टार्ट करेंगे, चिमनी स्टार्ट होगा आपका 3 में, फिर डायरेक्ट आपका 3x करके ये स्पीड होता है, पहले स्टार्ट चिमनी होगा तब 3x में चलेगा, उसका आपका फिर स्पीड बढ़ाएंगे तो 6x, उसमें उसके बाद अगर चलाएंगे तो डायरेक्ट 9 में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 ट्रिपल मतलब आपका 3 गुना बढ़ के 9 हो जाएगा, मतलब नॉर्मली चिमनी जब चलाते हैं क्या 1 में चलता है, तो इसमें वो 3 में चलेगा, दूसरा में जब चलाते हैं 2 में चलाते हैं तो इसमें आपका 6 होगा, और 3 में जब चलाते हैं इसमें आपका 9 होगा। तो पूरा आपका जो भी धुआं वगैरह आपका रूम में होगा ना वो जितना भी, और सबसे बढ़िया इसमें जो होगा आपका काम, तो आप जितना लंबा ही मतलब पाइप लगाइएगा, मान लीजिए नॉर्मल आप कितना लंबा पाइप लगाते हैं एक नॉर्मल घर में 8 फुट 9 फुट 10 फुट, तो उसमें मतलब नॉर्मल जो चिमनी होता है उसमें आप 10 फुट पाइप लगाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन इसमें अगर आप 30 फुट भी पाइप लगा लेंगे तो आपका जो सक्शन है वो थोड़ा सा भी कम नहीं होगा, सक्शन पूरा प्रॉपर तरीके से कर लेगा, 30 फुट तक पाइप का आपका सक्शन प्रॉपर तरीके से कर देगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला चिमनी बस ख़रीद लीजिए तो और निश्चिंत हो जाइए साफ से, मतलब नॉर्मली आप लोग मतलब चिमनी खरीदने के लिए जाते हैं दुकान में तो आप लोग के दिमाग में एक ही चीज़ एक ही बात रहता है कि ये सक्शन पावर कितना है, ठीक है। तो इसमें जो सक्शन पावर है, इसमें सक्शन पावर आपको 1250 मिलेगा, ये 60 में 90 में आपको 1300 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सक्शन पावर आपका 1250 है, लेकिन इसका वर्क एफिशिएंसी 1250 में ही इसका इतना वर्क एफिशिएंसी है कि आपको मतलब आपको तो पहले ही बता दिया कि पूरा 30 फीट तक पाइप भी लगा लेंगे तो पूरा आपका
किचन में जो भी धुआं वगैरह जो भी होगा पूरा खींच कर बाहर निकाल देगा। तो आपको 9 स्पीड में चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मली आप किचन में जब चिमनी चलाएंगे तो 3 स्पीड में ही चलाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा धुआं वगैरह होगा तो आप 6 या 9 में, मतलब जब जैसा ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप लोग चिमनी को चलाएंगे, ठीक है। और इसमें दो अलग अलग फीचर्स दिया हुआ है देखिए। तो इसमें और एक चीज़ क्या होता है, आप जब मान लीजिए चिमनी ऑफ करेंगे, ठीक है, चिमनी जब ऑफ करेंगे तो आप चिमनी चलाते हुए ये वाला जो पावर बटन है इसको मान लीजिए चिमनी चल रहा है तो चिमनी चलते वक्त आप ये वाला बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली टाइमर इसमें लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली ये वो 1 मिनट पर पूरा चिमनी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन अलग से दिया हुआ है। और ऑटो क्लीन वाला ये जो देखिए स्विच है, ये एक ऑटो क्लीन वाला स्विच, इसमें आपका फास्ट जब 3 सेकंड इसको में दबा के इसको रखेंगे तो आपका चिमनी जो है 3 सेकंड बाद ऑटो क्लीन मोड में आएगा, उसके बाद 12 मिनट तक नॉर्मल स्पीड में ऑटो क्लीन होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट 1 मिनट में, 12 मिनट के बाद लास्ट 1 मिनट में चिमनी जो 9 स्पीड में जो चलता है फुल स्पीड में चलेगा, मतलब ऑटो क्लीन करेगा, फास्ट स्पीड में ऑटो क्लीन करेगा 9 मिनट, मतलब 12 मिनट के बाद 13 मिनट वाला जो 1 मिनट में वो फुल ऑटो क्लीन कर लेगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये इसमें जो ऑटोमेटिकली जो लाइट जलता रहता है वो ऑटोमेटिक 13 मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली पूरा जो सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑटो क्लीन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो और इसमें आपको बाफिल फिल्टर भी मिलेगा, तो ये वाला चिमनी में आपको मिल रहा है ऑटो क्लीन, बाफिल फिल्टर, 9 स्पीड मिरर और आपका टाइमर। तो मतलब 4-5 चीज, मतलब 4-5 फंक्शन आपको इसमें बस इसी चिमनी में आपको मिलेगा। और फेवर का या फिर अदर किसी कंपनी का भी नॉर्मली चिमनी किसी कोई भी चिमनी में आपको इतना सब फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, और इस रेंज में तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पौरा डायरेक्ट ड्राइव का पूरा जो जितना भी फंक्शन है सब आपको इस बस इसमें आपको बता दिया। अब आपको देखिए आपको ये वाला चिमनी पूरा आपको चला के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो चिमनी को अगर जेस्चर से ऑन करना है तो आप यहाँ से इसको इस तरह के करेंगे तो ये चिमनी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एलईडी जल गया, इधर आपका जो एलईडी बल्ब है ये जल गया, और आपका जो स्पीड में ये अभी स्पीड में चल रहा है 3 स्पीड में चल रहा है, ठीक है। ऊपर में एक तो चिमनी लगा हुआ है जिसके वजह से इसका जो हवा है यहाँ पर लग रहा है उसके वजह से आपका जो आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। ये अगर चिमनी यहाँ से नहीं लगा होता तो डायरेक्ट इसका जवाब पाइप के द्वारा बाहर आ जाता, तो उसमें क्या होता है इसका जो नॉइज लेवल, ठीक है, इसमें इसके वजह से हवा ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर नॉइज ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और ये अभी चल रहा है चिमनी, जब स्टार्ट करेंगे चिमनी स्टार्ट होने के बाद 3 स्पीड में चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको सेकंड बार में करना है तो ये देखिए ये हो गया 6 स्पीड, ठीक है। उसके बाद आपको वैसे ही आपका तीसरा बार करेंगे तो आपका ऐसे करेंगे तो एक तो आवाज़ होगा और 9 स्पीड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये हो गया इसका 9 स्पीड, देखिए सक्शन पावर है, मतलब आप उसको अगर यूज़ करेंगे घर में तो ऐसा जितना भी धुआं वगैरह होगा सब निकलेगा, जितना भी धुआं घर में जितना होगा पूरा निकलेगा, ठीक है। और इसको अगर कम करना है जैसे ही आपको दाहिना तरफ से बायां तरफ करना होगा, ठीक है, एक बार करना है, दो बार करना है, ऐसे 3 बार करना है, ठीक है। लेकिन ये आपको नॉर्मल तरीके से क्योंकि नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब स्पीड में करना है। ये देखिए एक घट गया, दूसरा घट गया, ये आपका तीसरा घट गया, ठीक है। ये अभी आपका 3 स्पीड में नॉर्मल में चल रहा है, ठीक है। अब इसको अगर बंद करना है, मान लीजिए इसको बंद करना है तो आप 1 मिनट का टाइमर भी लगा सकते हैं, अभी इसमें टाइमर नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल 3 स्पीड में चल रहा है। टाइमर अगर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर टाइमर का कोई फंक्शन दिया हुआ अलग से नहीं है टाइमर सिस्टम का, ठीक है, लेकिन इसमें टाइमर फेड किया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे अगर इसको टच करेंगे
तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ब्लिंक करता रहेगा, एक मिनट बाद बंद हो जाएगा। अगर जेस्चर से भी दाया तरफ से बायां तरफ में हाथ घुमाएंगे तो भी यहाँ पर जो इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करता रहेगा, एक मिनट बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखिए हम इसको टच में कर रहे हैं, देखिए टच में अगर करेंगे, देखिए टच कर दिया, अब देखिए ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। ये जो ब्लिंक कर रहा है, एक मिनट बाद ये चिमनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपको बंद करने का ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपका मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, एक मिनट में आपका काम हो जाएगा, उस टाइम आप ये वाला ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ऑफ करना है तो आपको इस तरह से डायरेक्ट एक बार, उसके बाद दोबारा कर देंगे दो बार, मतलब दाहिना हाथ से बायां तरफ को दो बार लगातार करना है, तब जाके चिमनी बंद हो जाएगा, जब वो नॉर्मली 3 स्पीड में चलेगा उसी वक्त, ठीक है। और ऑटो क्लीन का फंक्शन तो आपको बता ही दिया, ये वाला ऑटो क्लीन का फंक्शन है, जब आपका ऑटो क्लीन करना होगा 3 सेकेंड इसको प्रेस करके रखिएगा, पूरा 12 मिनट तक नॉर्मल जो फंक्शन है उसमें काम करेगा, उसके बाद 13 मिनट में फुल स्पीड में ऑटो क्लीन कर लेगा। उसके बाद जो भी ऑयल वगैरह है, आपका जो ऑयल कलेक्टर है, यहाँ पर जो चिमनी का ऑयल कलेक्टर है, उसमें जो देखिए उसमें आपका तेल वगैरह जमा होगा, ठीक है। और इसका जो लाइट, तो ये तो देख ही रहे हैं, इसका लाइट वाला स्विच ए वाला है, तो ये वाला स्विच को आप यहाँ से अलग से इसको जला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बाफेल फिल्टर पूरा लगा हुआ है, देखिए नीचे से ऊपर तक आप लोगों को दिखा दे रहे हैं एक बार को। ये हो गया इस चिमनी का पूरा फीचर्स और इसका पूरा डिटेल्स, और आप लोगों को लाइव हम चला के भी दिखा दिए हैं। तो ये अगर चिमनी अगर लेना है तो आप लोग इसको ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फंक्शन वाला चिमनी है, तो आप लोग जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चिमनी में और एक खासियत है कि मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, उस वक्त आपका घर में जो चिमकी है किचन रूम में अचानक से पूरा धुआं हो गया, तो उस वक्त क्या होगा, आप जो जब चिमनी को 9 वाला स्पीड में रन करेंगे तो चिमनी क्या होगा, पूरा 10 मिनट तक वो चिमनी आपका एक ही तरह से पूरा फुल स्पीड पे रन करेगा। तो उस वक्त क्या होगा, आपका धुआं वगैरह जितना 10 मिनट में पूरा खींच के बाहर निकल देगा। उसके बाद चिमनी क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको कम करने का ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली वो आपका जो सेकंड लोअर स्पीड में है, जो 6 वाला स्पीड में, उसमें आ जाएगा। तो वह एक बेहतरीन फीचर्स इसमें दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको ले सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। आप लोगों को ये वाला वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो इस चैनल में अपलोड होता रहता है और नया नया प्रोडक्ट का वीडियो इस चैनल में अपलोड होता रहता है, ठीक है। तो चैनल को जाके तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है वो उसको ऑन करके रखिए, ऑल जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन उसको ऑन करके रखिए, फिर इन फ्यूचर में आपको काम आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, चलिए बाय बाय।